संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। पंचमी विभक्ति का प्रकरण चल रहा है। आज हम दो सूत्रों के बारे में और जानेंगे। पंचमी विभक्ति में एक सूत्र ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा चलें करेंगे। पृथक विना नानाभिस्तृतीया न्यतरस्याम। ठीक है, चलिए अब हम यहां देख लेते हैं। पृथक, ठीक है, विना और नाना, ये तीन शब्द मुख्य हैं यहां। पृथक, विना, नाना, तृतीया, अनितरस्याम। तो दो चीजें यहां समझने की हैं। पहले तो हम इनका अर्थ समझ लें। पृथक और विना और नाना, इनका मतलब सिर्फ अलग होता है ना। तीनों को समानार्थी है ये, अलग होना के बिना। पृथक मानी के बिना भी है और बिना भी है। ठीक है, इसका मतलब बिना किसी चीज के, बिना कोई चीज नहीं है उसके बिना कार्य करना। ठीक है, तो ये तीनों एक समानार्थी हैं। तृतीया से तात्पर्य क्या है? इन तीनों शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम तो कर तो अध्ययन रहे हैं हम पंचमी का अर्थात अपादान का, तो ये तृतीया कैसे प्रयोग करी जाएगी इसमें? इसलिए अगला जो शब्द है वो कहता है अन्यतरस्याम, अर्थात समूह। अन्यतरस्याम जो है समूहवाचक है, तो यहां तृतीया नजदीक होने से तृतीया के द्वितीया विभक्ति का भी इसमें प्रयोग कर लिया गया है, और यहां अन्यतरस्याम शब्द के द्वारा पंचमी का भी प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से देखते हैं, पृथक, बिना और नाना, इन तीन शब्दों के द्वारा, इनके अर्थवाची जो शब्द हैं, ये जो पृथक है, बिना है, नाना है, इसमें तृतीया, द्वितीया और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, बस सीधा इसमें शब्दों के द्वारा ही इसमें प्रयोग कर लेना है। इन शब्दों के होने मात्र से पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक दो उदाहरण देखते हैं, फिर आगे समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। चलिए उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, समाज में धन के बिना मान नहीं मिलता, है ना? समाज में धन के बिना मान नहीं मिलता। तो बिना शब्द जो है वो हमारे पास है ये। अब किसके बिना? ये उम्मीद, मैं ये प्रश्न को लगातार जब भी पंचमी का प्रयोग किया है मैंने, उसमें किसके शब्द का प्रयोग हमेशा से किया है। तो याद रखना, यहां किसके बिना मान नहीं मिलता, धन के बिना। तो धन क्या हो गई यहां? सीधे इसमें अपादान का प्रयोग कर लिया जाएगा, लेकिन अपादान संज्ञा तो होगी होगी, अर्थात पंचमी विभक्ति तो संज्ञा नहीं होगी इसमें। थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसमें थोड़ा गलत बोल गया हूं। ये जो अव्यय हैं, ठीक है ना, ये जो शब्द हैं वो अव्यय हैं। इन शब्द मात्र होने से, इन शब्दों के मात्र होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है ना? और तृतीया का भी प्रयोग किया जाएगा और द्वितीया का भी प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहां अपादान संज्ञा नहीं होगी। यदि अपादान संज्ञा हो जाएगी तो सिर्फ पंचमी का ही प्रयोग किया जाएगा, ये दोनों का फिर प्रयोग करना वर्जित हो जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। संज्ञा का मतलब है, मैंने बताया था, जिसका नाम है, नाम रख दिया, फिर उसका काम वही करेगा जो उसका नाम लेके किया जाएगा। इसीलिए यह नामकरण नहीं, अर्थात संज्ञा नहीं होगी। ये मात्र इन शब्दों के होने से उपपद के अंतर्गत रख सकते हैं ऐसे, तो ये पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? समाजे
धनात् विना माना ना जायते। तृतीया की प्रयोग कर सकते हैं हम, धनेन विना और धनम विना। इस तरह हम देखते हैं कि शब्द मात्र होने से, जो विना शब्द है वो मात्र शब्द होने से पंचमी तृतीया और द्वितीया का प्रयोग कर लिया गया है, इसमें संज्ञा नहीं होगी। शब्द मात्र होने से पंचमी का प्रयोग, द्वितीया का प्रयोग और तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। उम्मीद है थोड़ी सी बातें इसमें साफ समझ में आ गई होंगी। दो एक उदाहरण देखेंगे तो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। सैकड़ों नदियों के बिना इस देश की सिंचाई संभव नहीं। ठीक है, अब बिना शब्द हमको मिल गया, किसके बिना? सैकड़ों नदियों के बिना। इसमें हम नाना का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो बात एकदम साफ होती चली जाएगी। देखिए, शतेभ्यः नदीभ्यः नानान संभवम् अस्य देशस्य सेचनम्। ठीक है, शतेभ्यः नदीभ्यः नानाना संभवम् अस्य देशस्य सेचनम्। एक शब्द मिल जाएगा, उससे हम पंचमी का प्रयोग कर लेंगे, और जिससे पंचमी करेंगे हम उससे ही तृतीया का द्वितीया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तृतीया देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नदी भी ही नाना। इस तरह ये प्रयोग करके सीधा तृतीया का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो शतेभ्यः नदीभ्यः नाना ना संभवम् अस्य देशस्य सेचनम्, अर्थात सैकड़ों नदियों के बिना इस देश की सिंचाई संभव नहीं है। इसी तरह से केवल एक शब्द मात्र से, यहाँ हमने तीनों देख लिए, पृथक देख लिए, बिना और नाना का भी उदाहरण देख लिए, शब्द होने मात्र से पंचमी का प्रयोग कर लिया जाता है। पंचमी का प्रयोग के लिए ये सूत्र बनाया गया था। वैसे तो तृतीया इसमें थी ही, और नज़दीकी होने के कारण द्वितीया भी इसमें प्रयोग की जाती थी, लेकिन पंचमी के लिए अन्यत्र श्याम का प्रयोग करके समुच्चय के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है ये थोड़ा सा समझ में आया होगा आपके, और यदि इसको एक दो बार आप अब देखेंगे तो अवश्य ही संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम अगले एक सूत्र और ले लेते हैं। देख लेते हैं अगला सूत्र। कर्णे चा स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयास कतिपयस्या कतिपयस्या सत्व सत्व वचनस्य। ठीक है, अब देखिए, स्तोक अल्प क्रच्छ्र कतिपय असत्व वचनस्य, ठीक है ना, और करणे। यहाँ इन शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, तो मैं लिख दूँ यहाँ, स्तोक अल्प क्रच्छ्र कतिपय असत्व। ठीक है,
और ये करने के इसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अर्थ थोड़ा सा देख लेंगे तो बात साफ हो जाएंगी, ये थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। थोड़ा अल्पमानी भी थोड़ा होता है, कृच्छ्वमानी कठिनता, मुश्किल, कृच्छ्वमानी कठिनता या मुश्किल, कतपयमानी होता है कुछ। यहाँ असत्व जो है, असत्व का मतलब होता है अद्रव्य वाचक, जो द्रव्य का वाचक ना हो, ठीक है। करणेचा, करणेचा का मतलब, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात साफ हो जाएंगी, बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो शब्द का प्रयोग किया गया, वो ये प्रयोग किया गया कि ये जो शब्द दे रखे हैं, स्तोक, अल्प, कृच, कतिपय, असत, असत नहीं, केवल यहां तक, कतिपय तक, है ना। थोड़ा, थोड़ा, कठिनता, मुश्किल और कुछ, यदि ये शब्द करण के रूप में, करण कारक के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों से पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है। एक बार और बताऊं, बिल्कुल बातें साफ हो जाएंगी। ये जो शब्द हैं, स्तोक, अल, स्तोक थोड़ा, अल्प थोड़ा, कृच कठिनता, मुश्किल, कतिपय कुछ, यदि ये शब्द करण कारक के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों से, इन्हीं शब्दों से पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है, और पक्ष में इसमें तृतीय विभक्ति होती ही है। तो उम्मीद है ये बात साफ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें थोड़े से अधिक जानकारी के लिए हम थोड़े से दो चार अनुवाद देखेंगे, फिर बातें एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। चलिए उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, वह थोड़े से ही मुक्त हो गया, है ना। अब यहां बातें हो जाएंगी साहब, वो थोड़ा शब्द आ रहा है ना, थोड़े से ही, वह थोड़े से ही, अर्थात ये करण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। थोड़े, थोड़ा सा इसने कुछ दिया, द्रव्य दिया हो या थोड़ा सा प्रयास किया हो, मुक्त होने में जो सहायक है, हमने करण कारक में, करण के बारे में अच्छे से पढ़ा, साधकतम करणम, अर्थात जो सहायक हो क्रिया को करने में, तो मुक्त होना यहाँ क्या है, क्रिया का है, तो मुक्त होने में क्या है, थोड़ा सा, थोड़े से ही मुक्त हो गया। अब थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा सा धन दिया हो तो मुक्त हो गया हो, थोड़ा सा प्रयास किया हो, थोड़ी सी उसने कुछ और बातें बताई, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो यहां सिर्फ हमें थोड़े से पे ध्यान देना है, ये शब्द हमारे पास इसमें दोनों में प्रयोग करे जा रहे हैं, तो इससे पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा और तृतीया का भी पक्ष में रहेगा ही रहेगी। तो सहा पहला ही ले लेते हैं, स्तुकात, सहा इस्तुकाद मुक्ता, बस इतना ही करना है, सहा इस्तुकाद मुक्ता। अब एव भी लगा सकते हैं, सहा इस्तुकाद एव, थोड़े से ही मुक्त हो गया, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। और पक्ष में क्या रहेगा, इस्तुकेन, इस्तुकेन मुक्ता, है ना। तो इसमें दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें थोड़े इन शब्दों को देखना है, थोड़ा थोड़ा कठिनता मुश्किल कुछ, अर्थात इनको देखना है, और ये देखना है कि करण के रूप में ये प्रयोग हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि करण के रूप में प्रयोग हुए हैं तो सीधे पंचमी का प्रयोग करके कर सकते हैं इसमें, और हम तृतीय विभक्ति का इसमें पक्ष में प्रयोग कर सकते हैं। तो वह थोड़े से ही मुक्त हो गया। चलिए उदाहरण देखते हैं हम आगे का। देखिए, तू थोड़े से ही घबरा गया। अब यहां पर थोड़ा देखने वाली बात है, क्या है, थोड़े से ही क्या हो गया, घबरा गया। तो थोड़ा किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, या करण कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसमें सीधे पंचमी का प्रयोग कर लेंगे हम, त्वम अल्प। अब इसमें हम इसमें दूसरा वाला प्रयोग करेंगे, ये वाला है ना, अल्पात एव संभ्रांतः अभावः, है ना। अब इसमें ये हमने पंचमी का प्रयोग कर लिया, ये
विकल्प में हम अल्पेन भी कर सकते हैं। तू थोड़े से ही घबरा गया, ठीक है। तो यहां थोड़े से शब्द से, सीधे शब्दों से, इसमें मैंने बताया ना, सीधे शब्दों से पंचमी का प्रयोग होगा और पक्ष में तृतीया का भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए एक दो उदाहरण और देखेंगे इसमें हम। बहुत ही सरल है, इसमें शब्दों मात्र से हो जाता है। यह है छात्र, बड़ी कठिनाई से समझता है। तो यह छात्र बड़ी कठिनाई से समझता है। तो कठिनाई हम पे प्रयोग, इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह करण के रूप में प्रयोग की गई है, और करण के रूप में यदि प्रयोग की गई है तो इसमें कतपे का प्रयोग करके हम सीधे पंचमी, इसमें कतपे में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, कतपे नहीं, कतपे तो कुछ होता है कृच्छ वाला, प्रयोग करके हम सीधे पंचमी का प्रयोग इसमें कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बन जाएगा। अयम छात्राः महता, इसके हमने बताया था इसको लगाएंगे कृच्छ्रात्, समझता है, क्या बन जाएगा अब बुध्यते, ठीक है। अब यहां पर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, महता कृच्छ्रात्, बड़ी कठिनाई से समझता है। कौन? अयम छात्रा, यह है छात्र, बहुत ही कठिनाई से समझता है। तो कठिनाई करण के रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए सीधे इसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। पक्ष में क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, महता कृच्छ्रेण, ये तृतीया का प्रयोग कर लिया जाएगा। उम्मीद है ये सही से समझ में आ गया हो। एक इसमें एक उदाहरण और है, उसको हम देखेंगे तो हमारे ये सब बातें साफ हो जाएंगी। पहले दूसरे तृतीय का हमने उदाहरण देख लिया, अब कतिपय का उदाहरण रह गया, इसको और देख लेते हैं। जनता शासक के कुछ गुणों से ही प्रश्न प्रसन्न हो गई, ठीक है। अब कह रहा है जनता शासक के कुछ गुणों से ही प्रसन्न हो गई। वो नियम ही यही है कि देखा जाता है कि जनता जो होती है वो कुछ ही गुणों से, तो प्रसन्न हो गई किससे, कुछ ही गुणों से, है ना। कुछ शब्दों का प्रयोग लग रहा है तो कुछ ही गुणों से, तो गुण यहां जो हुए हैं, जो कतिपय है और गुण है, ये करण कारक के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। क्या बनेगा, प्रजा शासकस्य कतिपयेभ्यः गुणेभ्यः प्रासीदत आता है इसमें, ठीक है। कतिपयेभ्यः गुणेभ्यः या कतिपय, कतिपय गुणः, इस तरह इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाए। उम्मीद है ये सारी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।